नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कोविड-19 के ओमिक्रोन वेरिएंट के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देशन में पीआरवी 782 पर तैनात उप निरीक्षक राजपाल सिंह द्वारा कस्बा शहर के जनता को कोविड महामारी के प्रति जागरूक किया गया तथा बिना मास्क व अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई। बहुत तेजी से फैल रहा है, अतः आपसे अनुरोध है कि मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दुकानदार भाइयों से अनुरोध है कि बिना मास्क लगाए व्यक्ति को सामान न दें। मास्क नहीं तो सामान नहीं। धन्यवाद। चकेरी में युवक की सड़क हादसे में मऊ, परिजनों ने जाजमऊ चौकी प्रभारी पर घटना की जानकारी नहीं देने का लगाया आरोप। चौकी में किया हंगामा, इस दौरान महिलाओं ने जाजमऊ चौकी के अंदर घुसकर की तोड़फोड़। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने खुद को किया कमरे में बंद। हम लोग मैं आती बाइक सवार लुटेरों ने लूटा मोबाइल, मोबाइल लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। काकाझर थाना क्षेत्र के गीतानगर की घटना पूरी। आगरा में तेज रफ्तार से दौड़ रहे ट्रक ने बाइक सवार को लिया चपेट में। चपेट में आने से बाइक सवार की दर्दनाक मौत। घटना की जानकारी पर पहुंची थाना पुलिस। थाना शमशाबाद क्षेत्र के नयाबाद चौराहे का पूरा मामला। आगामी विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत विगत 24 घंटे में सहजानपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार, जिसके पास से अवैध शस्त्र के साथ 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अवैध कच्ची शराब में 29 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। 344 लीटर शराब, 4 भट्टी हुई बरामद, 2500 लीटर लहन किया गया। सर, शाहजहांपुर पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बड़ी कार्रवाइयां की जा रही है। सर, विगत 24 घंटे की क्या कार्रवाई है? सर, चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर पुलिस ने अपनी एक्टिविटी बढ़ाई हुई है और जो अवैध कार्यों में लिप्त लोग हैं और निरोधात्मक कार्रवाइयों में बढ़ोतरी की गई है। इसमें कुल अवैध शस्त्र के मामले में 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, इनके पास अवैध शस्त्रों की बरामदगी की गई है। 29 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं अवैध देशी शराब के निष्कर्षण के मामले में। इनके पास से कुल 344 लीटर अवैध देशी शराब बरामद हुई है, 4 भट्टियां बरामद हुई हैं और लगभग 2500 लीटर लहन नष्ट की गई है। एमबीडब्ल्यू के वांछितों में 15 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। इस प्रकार कुल मिलाकर 53 व्यक्तियों की गिरफ्तारी 24 घंटे की कार्रवाई में की गई है। निरोधात्मक कार्रवाई पर पुलिस का पूरी तरह से फोकस है और इस तरह की जितनी भी प्रिवेंटिव कार्रवाइयां हैं उसको जोर शोर से किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन सन 2022 सकुशल संपन्न कराने हेतु नवीन गल्ला मंडी का किया निरीक्षण। उन्होंने मंडी सचिव को निर्देशित करते हुए कहा कि मंडी परिसर में साफ सफाई, लाइट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों एवं छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा रवैये से उत्तर प्रदेश के योगी सरकार पर मंत्रिमंडल इस्तीफा दिया स्वामी प्रसाद मौर्य। थाना डिबाई क्षेत्र अंतर्गत पुलिस द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन सन 2022 के दृष्टिगत सघन चेकिंग के दौरान पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की गाड़ियों पर लगे झंडे व बैनर हटवाने एवं गाड़ियों की चेकिंग करने के संबंध में क्षेत्राधिकारी डिबाई ने दी जानकारी। देखिए, माननीय चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की गई है, जिसका पुलिस द्वारा पालन कराया जा रहा है। इसी क्रम में कल डिबाई पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी रात्रि में, जिसमें पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की भी गाड़ियां थी जिन पर झंडे व बैनर लगे हुए थे।
उन्हें तत्काल जो है मौके पर ही हटवाया गया एवं गाड़ियों की भी सघन चेकिंग की गई। सख्त निर्देश भी दिए गए एवं आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए सभी को मोटिवेट भी किया जा रहा है। इस क्रम में मैं यही बताना चाहूंगी कि भविष्य में यदि किसी के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बीजेपी विधायक भगवती सागर का इस्तीफा। कानपुर के बिल्हौर से बीजेपी विधायक भगवती सागर समाजवादी पार्टी में जाएंगे। बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी दिया इस्तीफा। मांडा की तिनवारी से बीजेपी विधायक हैं ब्रजेश प्रजापति। कानपुर देहात के ईमानदार डीएम की नाक के नीचे ड्रग्स इंस्पेक्टर रेखा सचान का रिश्वत मांगते वीडियो हो रहा वायरल। मेडिकल संचालक से रिश्वत, लाइसेंस के नाम पर मांगी रिश्वत। कल का मतलब कल, शायद यही समझ रही मैडम। आप नंबर देने के लिए आए थे? तो उन्हीं का नंबर है मैम, कुछ बात करनी थी तो बस। अरे तो यही कर लो ना, इसमें क्या भैया ने 30 बताए थे मैडम, हमने 20 के लिए कहा, देख लीजिए मैडम करवा दीजिए। चलिए हम 10 करवा दीजिए, 20 फिर जो है बाद में दे देंगे। आप प्रक्रिया पूरी रखिए, हम 10 दिए दे रहे अभी मैडम, 20 फिर बाद में दे देंगे। आप प्रक्रिया जारी करिए। वो तो कर ही दिए मैसेज तो गया होगा। चलिए हम अभी 10 दिए दे रहे, बाकी हम कल दे देंगे जब। ठीक मैडम, ठीक है। बिजनौर में गरीबों के खून पसीने की जमा पूंजी चिट फंड लेकर हुए फरार। गरीब खाता धारकों के लाखों रुपए मुस्लिम फंड दफ्तर के ताले लगाकर हुए रफू चक्कर। बंद मुस्लिम फंड दफ्तर के बाहर खाता धारकों ने किया हंगामा। और मैं मोहम्मद अशरफ नाम है मेरा, और मैं मोहल्ला काजी दराज से फट से। ये देखो मेरी किताब, खोल के दिखाओ, किताब खोल के दिखाओ। ये देखिए, ये देखो, लिखो देखो, ये देखो। आज ही चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा सात एसपी हमीरपुर डीएम हमीरपुर के द्वारा जनपद हमीरपुर में अर्धसैनिक बल और जनपदीय पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की गई, जिसमें आम जनमानस को सुरक्षा एवं निष्पक्ष चुनाव सन 2022 कराने का भरोसा दिलाया गया, साथ ही सभी से मतदान करने की अपील की गई। पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तरीके से एवं संक्रमण मुक्त व सकुशल संपन्न कराने हेतु जनपद कानपुर देहात को आवंटित सीपीएमएफ आईटीबीपी की 46 बटालियन को रूट मार्च हेतु ब्रीफ किया गया एवं कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराने हेतु निर्देशित किया गया। भाजपा नेता असीम अरुण ने जारी किया वीडियो, दिया संदेश, कहा कानपुर से अलविदा। कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट के सभी साथियों को मेरा जय हिंद। साथियों, जैसा कि शायद आपको पता हो, मैंने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन दिया है और सरकार ने 15 जनवरी से इसे स्वीकृति दी है, यानी इस सप्ताह के अंत में मैं आपसे और इस सेवा से विदा लूंगा। इस अवसर पर मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं विदाई समारोह के लिए मना कर रहा हूं, क्योंकि मेरी सेवानिवृत्ति ऐसी समय है, ऐसी परिस्थिति में है कि मेरे इस संदेश को ही आप एक समारोह के रूप में मानेंगे। आज से लगभग 9 माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुलिस कमिश्नरेट कानपुर के गठन का फैसला लिया गया था। में आपने बड़ी मेहनत की, एक नई संस्था विकसित की, और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, हम लोग को सुपर कॉप नहीं, सुपर सिस्टम की जरूरत है। तो एक सुपर सिस्टम बनने की दिशा में आपने एक राह रखी है। आने वाले समय में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे और नागरिकों की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए जितनी भी प्रणालियां चाहिए उनको विकसित करेंगे। मैंने स्वयं अपने जीवन में हमेशा अपने कार्यालय में 3 महापुरुषों के चित्र रखे हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जी, जिनको मैं धर्म और नैतिकता का प्रतीक मानता हूं। दूसरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो विधि के प्रतीक हैं, जिनके द्वारा संविधान और सारी विधि का सृजन किया गया है।
तो जो भी हम कार्य करें वो धर्म संगत हो, विधि के अनुसार हो और पूरी शक्ति के साथ, यानी सरदार पटेल लौह पुरुष के अंदर जो शक्ति थी, अगर ये तीनों चीजें हमारे अंदर आ सकेंगी तो हम एक बहुत अच्छे पुलिसकर्मी बनेंगे, बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी बनेंगे। मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि पुलिस की नौकरी में तरह तरह के दबाव आते हैं, हमेशा बचेंगे, और मैं कामना करता हूं कि ईश्वर आपको हमेशा इतनी शक्ति दें कि आप हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही काम करें। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं, देखते रहिए बीपीएन न्यूज़।